बोलने की जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता था वो भी अब समाप्त हो गई है। आप तो वही बात बोल सकते हैं जो उनको पसंद हो। अगर उनकी पसंद की बात आप नहीं बोलेंगे तो फिर आप देशद्रोह कहलाएंगे, आपको सजा मिलेगी, आपको जेल जाएंगे, आपको पीटा जाएगा। सही बात है। आप तो कहाँ कौन क्या खाएगा वो भी वो तय कर रहे हैं। दिल्ली में रहो तो यहाँ कुछ खाओ, क्या कहते हैं गोवा में जाओ तो वहाँ कुछ और खाओ, तो खाने के भी वो तय करते हैं, पढ़ने के भी वो तय करते हैं, आप किससे प्यार करोगे ये भी वो तय करेंगे। भाई देश में स्वतंत्रता रहेगी कि नहीं? हिंदुस्तान में बीफ को मना कर रहे हैं, गोवा में बोले कि बीफ खाओ, ये कहा कि राजनीति झारखंड के बिहार के लिए या फिर नहीं, पूरे देश के लिए एक मजबूती पूरे देश के लिए है और पूरे देश को आज जरूरत है साझा विरासत को बचाने की। बोले कि देश में सफाई नहीं, एक सच्चे दिल की जरूरत है, सच्चे हिंदुस्तान। निश्चित रूप से दोनों चीज जरूरत है, सफाई भी जरूरत है और सच्चाई भी जरूरत है। अब ये बताएं कि जो झारखंड में जो कार्यक्रम चल रहा है अभी रघुवर दास जी का, अभी इन्होंने जो विधानसभा में जो विधेयक पास किया है धर्म को लेकर, क्या सही है ये? आज रुक रहे ना, बिल्कुल हमने कहा कि संविधान के विरोध है वो, कानून के विरोध है वो, संविधान में जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसको ही वो समाप्त कर रही है। भैया कौन बताएगा कि क्या हम कौन सी देवी देवता को माने, हम मंदिर जाएं कि मस्जिद जाएं, कि हम बता करके जाएं। धार्मिक स्वतंत्रता तो ये व्यक्ति की मौलिक अधिकार है। पूरे भारत देश के अंदर चल रही हलचल को लेकर सभी पार्टी के लीडरान परेशान हैं। उसी परेशानी के तहत शरद यादव जी ने पहल की, वो पहल में सारे नेताओं को इकट्ठा किया, किसी भी पार्टी का, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, मार्क्स कम्युनिस्ट पार्टी, सारी देश भर की सारी पार्टियों को इकट्ठा करके आज यहाँ पर साझी विशारद बचाओ सम्मेलन किया।